गौतम गंभीर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। गौतम गंभीर एक कमाल के क्रिकेटिंग ब्रेन है, ये बात तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। उनका क्रिकेटिंग ब्रेन पूरी दुनिया ने देखा जब वो केकेआर के कप्तानी करते थे। अब खबर आ रही है कि लखनऊ फ्रेंचाइजी ने उनको अपना मेंटोर बना लिया है और उन्होंने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। मतलब अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब एंडी फ्लावर कोच, गौतम गंभीर मेंटोर, केएल राहुल कप्तान, ये तिगड़ी क्या कमाल दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि गौतम गंभीर का ऐसे मेंटर होना बाकी खिलाड़ियों के लिए एक मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से केएल राहुल की कप्तानी में पंजाब किंग्स अंतिम वक्त में चौक कर जाती थी और पंजाब किंग्स को क्लोज मैचेस का चौकर कहा जाने लगा था केएल राहुल की कप्तानी में, यहाँ पर अगर गौतम गंभीर मेंटोर होंगे तो शायद ऐसा ना देखने को मिले, क्योंकि गौतम गंभीर का एक अलग माइंडसेट है और वो केएल राहुल के ऊपर से शायद चौकर्स का धब्बा हटवा भी दें। जाहिर सी बात है केएल राहुल ने जब पंजाब छोड़ा और लखनऊ ज्वाइन की, उस वक्त पंजाब किंग्स के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पंजाब किंग्स के फैंस का मानना था कि केएल राहुल सिर्फ़ और सिर्फ ऑरेंज कैप के लिए खेल रहे थे और उनकी वजह से क्लोज मैचेस भी पंजाब किंग्स हार रही थी। अब पंजाब किंग्स दोबारा से पूरी टीम खड़ी करेंगे, वहीं लखनऊ में अब गौतम गंभीर भी आ गए हैं, वैसे मेंटोर केएल राहुल भी हैं, खबर है कि राशिद खान भी लखनऊ होंगे। इसके अलावा बातें हो रही हैं कि राशिद खान के अलावा ईशान किशन भी लखनऊ की टीम में ही होंगे। वहीं सुरेश रैना से अभी तक किसी टीम ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, ये भी बातें सामने आ रही है, और शायद उनको चेन्नई सुपर किंग्स भी पिक ना करे, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखने वाली बात होगी सुरेश रैना चेन्नई से खेलते हैं या लखनऊ से, वैसे उनको इन दोनों में से एक टीम के लिए तो खेलना ही चाहिए और इन दोनों में से एक टीम को उन्हें ज़रूर पिक करना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।